यूक्रेन रूस की जंग की वजह से न्यूक्लियर विनाश की आशंका खत्म नहीं हो पा रही है, उल्टा इस आशंका को प्रेसिडेंट पुतिन ने और गहरा दिया है। दरअसल पुतिन उस मर्मस की यात्रा पर पहुंचे हैं जिसे फिनलैंड और स्वीडन और नॉर्वे का न्यूक्लियर खौफ माना जाता है, और दूसरी तरफ आर्कटिक में भी न्यूक्लियर हलचल बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आशंका बढ़ गई है कि प्रेसिडेंट पुतिन महासंग्राम की नई रणनीति पर जमीन उतारने के लिए दो कदम आगे बढ़ा चुके हैं। अब ये कदम किस दिशा में है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कोला न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर पश्चिमी रूस के लिए ऊर्जा का वो स्रोत जो अब तक नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन के भी कुछ हिस्सों को रोशन करता रहा है। लेकिन यही प्लांट एक ही पल में संदेह के घेरे में आ गया। 20 जुलाई 2023 खाली हुआ क्रेमलिन नए मिशन पर पुतिन। ये उत्तर पश्चिमी रूस का मुख्य शहर मर्मंस्क है। प्रेसिडेंट पुतिन के नए मिशन का पहला पड़ाव यही शहर है। विनाशकारी जंग के भविष्य की रणनीति के लिए क्रेमलिन ने इसी ठिकाने को केंद्र बनाया है। आपने जो सुना वो बिल्कुल सही सुना। मॉस्को से करीब 2000 किलोमीटर दूर मर्मंस्क ही जगह है जिसे पुतिन ने अगले विनाशक कदम के लिए चुना है, और इस कदम को उठाने में पुतिन ने देरी भी नहीं की। वो 20 जुलाई को मॉस्को से इसी शहर के लिए रवाना हुए थे। लेकिन इस शहर में कदम रखते ही उन्होंने अपने नए मिशन के तहत मर्मंस्क पेनिनसुला में मौजूद कोला न्यूक्लियर प्लांट की तरफ रुख कर लिया। हालांकि पुतिन का दौरा अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये क्रेमलिन के प्लान में शामिल था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुतिन अचानक कोला न्यूक्लियर प्लांट क्यों पहुंचे? क्या कोला प्लांट को जंग का न्यूक्लियर सेंटर बनाने की तैयारी है? क्या पुतिन के न्यूक्लियर टारगेट पर नया नेटो देश है? और क्या क्रेमलिन की तरफ से न्यूक्लियर जंग की तैयारी शुरू कर दी गई है? सवाल पुतिन के कोला न्यूक्लियर प्लांट दौरे पर नहीं है, बल्कि इस दौरे के भविष्य से जुड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन का दौरा आने वाले दिनों की एक रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है। वो रणनीति क्या है यह भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जिस मर्मंस्क पेनिनसुला में इस वक्त पुतिन है उससे खतरा कैसे खड़ा हुआ है इसे समझ लीजिए। मर्मंस्क पेनिनसुला के पूर्वी हिस्से में कोला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसके पश्चिमी हिस्से में नेटो देश फिनलैंड है और उत्तर में नॉर्वे की सीमा। इसलिए खतरा फिनलैंड और नॉर्वे पर ज्यादा मंडरा रहा है। वहीं संकट में नेटो की सदस्यता के लिए अर्जी लगाने वाले स्वीडन पर भी कम संकट नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन का ये दौरा खतरे का सायरन है। कोला प्लांट में प्रेसिडेंट पुतिन के पहुंचने के कई मतलब है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावी है वो प्लांट को न्यूक्लियर हथियारों का सेंटर बनाना हो सकता है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर सेंटर का दायरा बड़ा हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि इससे पहले भी कोला न्यूक्लियर पावर प्लांट को विध्वंसक हथियारों के डिपो के तौर पर प्रचारित किया जा चुका है। इसलिए पुतिन के दौरे का कनेक्शन न्यूक्लियर जंग की तैयारी से जोड़ा जा रहा है। लेकिन आप क्रेमलिन की न्यूक्लियर तैयारी का एक और हिस्सा जानेंगे तो चौंक जाएंगे। यह हिस्सा है अंडरवाटर न्यूक्लियर प्लांट। आपने बिल्कुल सही सुना, और यह प्लांट आर्कटिक में बनाया जा रहा है। दावा है कि इस प्लांट के लिए सेंट पीटर्सबर्ग का इंजीनियरिंग ब्यूरो काम कर रहा है, और इसी अंडरवाटर न्यूक्लियर प्लांट का कोला न्यूक्लियर सेंटर से गहरा लिंक होगा।
दावा है कि जो कोला न्यूक्लियर प्लांट न्यूक्लियर हथियार निर्माण और स्टोरेज के लिए बदनाम है, उससे रूस को नुकसान पहुंचाने और दुश्मनों से बचाने के लिए रूस के आर्कटिक सागर वाले द्वीप के बनाए जा रहे अंडरवाटर न्यूक्लियर प्लांट में तैनात किया जाएगा। हालांकि रूस को भविष्य में अंडरवाटर न्यूक्लियर प्लांट के रूप में एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि ये अपने आप में एक अनोखी तकनीक वाला प्लांट भी होगा। दावे के तहत आर्कटिक सागर के 400 मीटर नीचे रूस एक न्यूक्लियर प्लांट स्थापित कर रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्थापित किया जा रहा है, जिसके बाद और भी न्यूक्लियर प्लांट समंदर के नीचे से ऑपरेट होंगे। लेकिन इस प्लांट का इस्तेमाल रूस कैसे करेगा, ये भविष्य बताएगा। जाहिर तौर पर जंग के बीच प्रेसिडेंट पुतिन का मर्मंस्क पहुंचना न्यूक्लियर तैयारी का संकेत है, जिसे अंडरवाटर न्यूक्लियर प्लांट ने और ज्यादा गहरा दिया है। फिर भी रूस इस प्लांट को एक परियोजना के तौर पर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब क्या है परियोजना, इसे भी जान लीजिए। रूस के अंडरवाटर न्यूक्लियर प्लांट का डिजाइन कुछ ऐसा होगा। ये एक सबमर्सिबल मॉड्यूल है, जिसमें 20 मेगावाट की क्षमता वाली दो न्यूक्लियर यूनिट होंगी और वो 400 मीटर गहराई तक गोता लगाने में सक्षम होंगी। इन यूनिट्स को ड्रम जैसे आकार में न्यूक्लियर सबमरीन डिजाइन दिया जाएगा, जो रिक्टर तकनीक से बिजली उत्पादन करेंगी और इससे मिलने वाली बिजली आर्कटिक को रोशन करेगी। लेकिन इस मॉड्यूल पर सवाल तब खड़े होते हैं जब इनके रखरखाव की जिम्मेदारी खुद रूस लेता है। यानी रूस IAEA के नियम और जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन इसे IAEA से पूरी तरह अलग रखा जाएगा, जो पुतिन के इरादों पर संदेह का कारण है। तो क्या पुतिन मर्मंस्क सिर्फ आर्कटिक वाले प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने पहुंचे हैं? क्या अगला एक्शन न्यूक्लियर होगा या आर्कटिक तबाही का मुहाना होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।